ब्रह्म ऋषि श्री देवराहासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ वे उपाय जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी जी की कृपा घर पर बनी रहती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो उपाय हम आपको बता रहे हैं आप उनमें से एक या कई उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय। दीपावली में लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर पे उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है तथा माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माँ लक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखना चाहिए। गोमती चक्र भी धन संबंधी लाभ दिलाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर आप ऐसा दीपक लगा सकते हैं। दीपावली की रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान ये रखें कि आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदनवार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगा दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सभी चावल पूर्ण होने चाहिए क्योंकि खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात्रि को किया जाना चाहिए और दीपक जलाकर चुपचाप अपने घर लौट कर आए। पीछे पलट कर बिल्कुल ना देखें। माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां अवश्य रखें। ये कौड़ियां पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी जी का पूजन करें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपाकर रख देना चाहिए। दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली के दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। यद्यपि दुर्वा तो आप प्रतिदिन ही अर्पित करते होंगे लेकिन दीपावली के दिन दुर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन पर यह उपाय करने से गणेश जी के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन से एक नियम बनाइए, प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाइए। ऐसा रोज कीजिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने से शनि और राहु केतु के दोष शांत हो जाएंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है।
महालक्ष्मी के चित्र का जब आप पूजन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे चित्र का पूजन करें जिसमें माँ लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दीपावली के पांचों दिनों में घर में शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का क्लेश वाद विवाद ना करें। जिस घर में शांति होती है उस घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली के दिन स्नान के जल में कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अवश्य जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही साथ लाल पुष्प भी चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। दीपावली की रात्रि श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए दीपावली की रात्रि। मंत्र जप करने के लिए कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें और कम से कम 108 बार दीपावली के दिन इस मंत्र का जाप करें। किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां पे गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती अवश्य दान करें। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा घर में लाएं तो सदैव बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। यदि संभव हो तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोली बनाकर अवश्य खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माँ को वस्त्र अर्पित करें। स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से लेकर आए। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखें, कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। दीपावली की सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और जल में केसर भी डालें तो श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग धन का संचय करना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। साथ ही साथ महालक्ष्मी का पूजन ऐसे फोटो में करना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हो। उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियां और 3 हल्दी गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें, इससे धन लाभ के योग बनेंगे। दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करने से जीवन में कभी परेशानी नहीं आती और जो परेशानियां चल रही हों वे भी दूर हो जाती हैं। पर शिवलिंग का नियमित पूजा अवश्य करें। शनि के दोषों से मुक्त होने के लिए जैसे शनि की साढ़े साती या अढ़ैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के दुख नहीं सताते, उस इंसान को कभी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर पे निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है।
एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्त, शंख, हत्थाजोड़ी की भी पूजा करना चाहिए। तो ये थे वे उपाय जो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। नमो नारायण।